बेटा आज अपन अपना पाठ चल रहा था छठवा, जिसका नाम था पादपों में जल अवशोषण व रसारोपण। ठीक, और आज अपन बात करेंगे मूल के क्षेत्र या भागों के बारे में। आपको पता है बेटा, जो जल का जो अवशोषण होता है, इसका जो जल का जो अवशोषण होता है वो मूल भाग के द्वारा होता है, रूट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रूट के द्वारा होता है। ठीक, अब बेटा इस रूट के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? एक तो होता है परिपक्व भाग। कौन सा भाग? परिपक्व भाग, मैच्योर रूट। क्या होती है? परिपक्व भाग होता है। और एक होता है बेटा तरुण भाग। कौन सा भाग? तरुण भाग। देखो, जल अवशोषण पूर्णतः मूल के द्वारा होता है, मूल रोम क्षेत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मूल रोम क्षेत्र के द्वारा होता है। और ये जो तरुण भाग होता है, मूल शीर्ष होता है, मूल शीर्ष भाग होता है। रूट एपिकल पार्ट, मूल शीर्ष भाग कौन सा होता है बेटा? तरुण भाग होता है। लेकिन जो परिपक्व भाग है वो थोड़ा ऊपर की ओर होता है। किसकी ओर होता है? ऊपर की ओर होता है। इस परिपक्व भाग में, किसमें बेटा? इस परिपक्व भाग में क्या होता है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उनमें लिग्निन व सुवेरिन का, किसका? लिग्निन व सुवेरिन का क्या होता है बेटा? जमाव होता है। लिग्निन व सुवेरिन जल के लिए अपारगम्य होता है। कैसा होता है? अपारगम्य होता है। अर्थात इसके माध्यम से जो जल है, जो मृदा जल है, वो जड़ में अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तरुण भाग के द्वारा जल का, मृदा जल का जड़ के अंदर बेटा क्या होता है? प्रवेश होता है। अब बात करते हैं अपन कि मूल के कौन कौन से भाग हैं। बेटा जो मूल है, जो मूल है उसके तरुण क्षेत्र के, जो तरुण क्षेत्र है उसके पांच भाग हैं। कितने भाग हैं? पांच भाग। ठीक, तरुण मूल के कितने भाग हैं बेटा? पांच भाग। में यहाँ पर चित्र बना रहा हूं, चित्र की सहायता से समझेंगे अपन। देखो तो मैंने बनाई है ये, चलो इधर बनाता हूं थोड़ा सा। ये जो भाग है ये है मूल। क्या है बेटा? ये है मूल। और मूल के शीर्ष पर एक टोपी नुमा रचना पाई जाती है, जो मूल गोप कहलाती है। क्या कहलाती है? मूल के शीर्ष पर पाए जाने वाली एक जो टोपी नुमा रचना है, ये क्या कहलाती है? मूल गोप रूट कैप कहलाती है। ठीक, देखो ये बेटा जो मूल गोप है ये कैलिप्ट्रोजन ऊतक की बनी होती है। कैलिप्ट्रो जन किसकी? ऊतक की बनी होती है। और बेटा ये जो मूल गोप है ये घर्षण आदि से, क्या? घर्षण आदि, पत्थर आदि होते हैं ना, मृदा के मोटे क्रम होते हैं या कोई सूक्ष्म जीव होते हैं, घर्षण आदि से क्या करती है बेटा? सुरक्षा का क्या करती है? कार्य करती है। अगर घर्षण होता है तो स्वाभाविक है ये नष्ट होती रहती है, वह बनती रहती है। क्या होती रहती बेटा? ये जो मूल गोप होती है नष्ट होती रहती है, वह नई बनती रहती है। ठीक है ना? ये क्या है? कौन सा भाग है? मूल गोप भाग। तरुण
मूल का जो शीर्ष पर लगा हुआ भाग है वो मूल गोप भाग कहलाता है, रूट कैप रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रूट कैप रीजन कहलाता है। अब ये जो रूट कैप है बेटा स्थलीय पादपों में होती है, लेकिन जो जलीय पादप हैं, कौन से पादप? जो जलीय पादप होते हैं उनमें रूट कैप नहीं पाई जाती। जलीय पादपों में बेटा रूट पॉकेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रूट पॉकेट। कौन से पादपों में बेटा? जलीय पादपों में मूल गोप क्षेत्र नहीं होता। क्या पाया जाता है? रूट पॉकेट पाया जाता है। अब इसके ऊपर का जो जो भाग होता है बेटा, ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है इसे कहते हैं अपन विभिजोतक क्षेत्र। क्या कहते हैं? ये वाला जो भाग है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरिस्टेमेटिक जोन या रीजन कहलाता है। मेरिस्टेमेटिक जोन या रीजन कहलाता है। देखो बेटा, आपको पता है विभिजोतकी क्षेत्र की क्या विशेषता है? बेटा जो विभिजोतकी क्षेत्र है उसकी कोशिकाएं लगातार क्या होती रहती हैं? विभाजित होती रहती हैं। अर्थात ये जो कोशिका हैं इनमें लगातार किसकी क्षमता होती है? विभाजन की क्या होती है बेटा? क्षमता होती है। ठीक, जो कोशिकाएं होती हैं, जो विभिजोतकी क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली पतली होती हैं। ठीक, इसके अलावा बेटा वो कैसी होती हैं? सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं। कैसी होती हैं? पतली पतली होती हैं और सघन जीव द्रव्य युक्त वो कोशिकाएं होती हैं। कौन से क्षेत्र की कोशिकाएं? विभिजोतक क्षेत्र की कोशिकाएं होती हैं। इसको अपन मूल शीर्ष क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूल शीर्ष क्षेत्र भी कहते हैं। अब इससे ऊपर का जो भाग है, क्या है बेटा? इससे जो ऊपर का जो भाग होता है, अर्थात विभिजोतक क्षेत्र से ऊपर का जो भाग है, ये जो भाग होता है वो भाग इलोंगेशन रीजन दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। दीर्घीकरण क्षेत्र, इलोंगेशन रीजन दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। बड़े दीर्घीकरण क्षेत्र क्यों कहलाता है? इसका जो कारण है, इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? इस क्षेत्र की कोशिकाएं वो दीर्घित होती हैं। कैसी कोशिकाएं? दीर्घित कोशिकाएं होती हैं। और ये कोशिकाएं आंशिक विभेदन क्या दर्शाती हैं? ये जो कोशिकाएं होती हैं वो बेटा क्या दर्शाती हैं? आंशिक विभेदन को दर्शाती हैं, जो जो मूल की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करती हैं। अर्थात जो मूल की जो लंबाई होती है, रूट की जो लंबाई होती है, वो किसके कारण होती है बेटा? दीर्घीकरण क्षेत्र के कारण होती है। किसके कारण होती है? दीर्घीकरण क्षेत्र के कारण। पहला जो क्षेत्र बताया था मूलगोप क्षेत्र, दूसरा कौन सा क्षेत्र बेटा? विभिजोतक क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र कौन सा? दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक, अब जो दीर्घीकरण क्षेत्र है इससे जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है उसमें अनेक रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस पर बहुत सारे बेटा क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? रोम होते हैं। चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। और इन रोमों को अपन क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थात ये जो क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है बेटा? मूल रोम क्षेत्र। रूट हेयर जोन क्या होता है? रूट हेयर जोन होता है, मूल रोम क्षेत्र होता है। क्यों कहते हैं इसको मूल रोम क्षेत्र? क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक
क्या पाए जाते हैं बेटा, मूल रोम पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मूल रोम क्षेत्र कहा जाता है। जो इसकी लंबाई होती है वो बेटा 1 से 6 सेंटीमीटर होती है। तो मूल रोम क्षेत्र की जो लंबाई है वो कितनी है, 1 से 6 सेंटीमीटर होती है, और इसके द्वारा प्रभावी जल अवशोषण होता है। क्या होता है, प्रभावी जल अवशोषण होता है। ठीक, अब बेटा इसके ऊपर का जो मूल रोम से ऊपर का जो क्षेत्र होता है क्या होता है, ये जो वाला भाग है, ये वाला भाग, ठीक बेटा, इस क्षेत्र को अपन परिपत्व या प्रौढ़ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपक्व या प्रौढ़ क्षेत्र। क्या कहते हैं बेटा इसको, परिपक्व या प्रौढ़ क्षेत्र कहते हैं। देखो बेटा क्या होता है, इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं, इस क्षेत्र की जो शैल होती हैं, लिग्निन व सुवेरिन के, इसके बेटा अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लिग्निन वे सुवेरिन के जमाव के कारण, किसके कारण, लिग्निन वे सुवेरिन के जमाव के कारण क्या जल के लिए क्या हो जाती है बेटा, अपारगम्य हो जाती है। क्या हो जाती है, लिग्निन वे सुवेरिन के जमाव के कारण जल के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है। ये मूल के कितने क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं। ठीक, मूल गोप क्षेत्र, योतक क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र, परिपक्व या क्या होता है बेटा, प्रौढ़ क्षेत्र होता है। देखो इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बेटा, एक तो है तरुण मूल, क्या है तरुण मूल, तरुण मूल के कितने भाग हैं, ये 5 भाग, ठीक बेटा, और इससे ऊपर की होती है वो क्या होती है, परिपक्व मूल होती है। क्या होती है, परिपक्व मूल होती है। ठीक है, अब देखो जो परिपक्व मूल है, आपको पता है परिपक्व मूल की कोशिकाओं में, अभी आपको क्या बताया, लिग्निन का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है ना, काष्ठावन की क्रिया हो जाती है। लिग्निन के जमाव को क्या कहते हैं, लिग्निफिकेशन। सुवेरिन के जमाव को सुवेराइजेशन कहते हैं, है ना। लिग्निन वे सुवेरिन के जमाव के कारण ये जो परिपक्व मूल है वो प्रभावी जल अवशोषण नहीं होती, प्रभावी जल अवशोषण नहीं होता, होता तो है लेकिन प्रभावी जल अवशोषण नहीं होता। और तरुण मूल के द्वारा बेटा क्या होता है, प्रभावी जल अवशोषण होता है। देखो तरुण मूल के मैंने कितने भाग बताए, इधर ध्यान से दो, ध्यान दो, मूल गोप क्षेत्र, बेटा मूल गोप के द्वारा जल का अवशोषण नहीं होता, मूल गोप के द्वारा क्या नहीं होता, जल का अवशोषण नहीं होता। विभज्योतक क्षेत्र के द्वारा भी जल का अवशोषण नहीं होता, विभज्योतक दीर्घीकरण क्षेत्र के द्वारा भी जल का अवशोषण नहीं होता, लेकिन जो रूट हेयर जोन है उसके द्वारा क्या होता है, जल अवशोषण होता है, प्रभावी जल अवशोषण होता है, और परिपक्व क्षेत्र के द्वारा भी जल का अवशोषण नहीं होता। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटा, ले लिया। चलो मैं इसे मिटा रहा हूं, एक बार इनका और डाल लेता हूं इसमें। ठीक है,
बेटा बात करते हैं अपन जड़ में जल के मार के बारे में। पथवे ऑफ वाटर इन रोड, जड़ में जल का मार। ठीक, देखो आपको पता है जो पौधे होते हैं वो बेटा मृदा जल का ही अवशोषण करते हैं, कैपिलरी वाटर का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। देखो मृदा है और मृदा में क्या होता है, मृदा जल होता है, सॉइल वाटर होता है। क्या होता है बेटा, सॉइल वाटर होता है और इस सॉइल वाटर में क्या होता है ना, जल ना क्या होता है, एक तो वाटर होता है और प्लस क्या होते हैं बेटा, मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, वाटर सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वाटर सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये जो मृदा जल है, अभी मैंने जड़ के भाग बताए आपको, और जड़ के भागों में मूल गोप क्षेत्र के द्वारा प्रभावी जल अवशोषण नहीं होता। ठीक है बेटा, उससे ऊपर का जो विद्युतक क्षेत्र होता है उसके द्वारा भी प्रभावी जल अवशोषण नहीं होता। उससे ऊपर जो दीर्घीकरण क्षेत्र है उसके द्वारा भी प्रभावी जल अवशोषण नहीं होता, लेकिन जो मूल रोम क्षेत्र है उसके द्वारा क्या होता है, प्रभावी जल अवशोषण होता है। अर्थात जल अवशोषण में जो सक्रिय भूमिका होती है बेटा किसकी होती है, मूल रोम की होती है। किसकी होती है, मूल रोम की होती है, रूट हेयर्स की होती है। ठीक, अब सुनो जो मूल रोम है, अब मूल रोम पर बेटा जो एपिडर्मिस होती है वो एपिब्लेमा कहलाती है। अर्थात जो जल है वो मूल रोम से किसमें जाता है, एपिब्लेमा में प्रवेश करता है, और एपिब्लेमा से बेटा किसमें प्रवेश करता है, वल्कुट में, कॉर्टेक्स में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है बेटा, वल्कुट में प्रवेश करता है और वल्कुट से एंडोडर्मिस में, किसमें बेटा, एंडो डर्मिस में, अंतस त्वचा में, अंतस त्वचा में प्रवेश करता है। लेकिन जो अंतस त्वचा है उसमें कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं, और उस अंतस त्वचा में इस विशेष प्रकार की मार्ग कोशिकाएं होती हैं, पैसे सेल होती हैं। क्या होती है बेटा, मार्ग कोशिकाएं। अर्थात जो जल है वल्कुट से बेटा किसमें, मार्ग कोशिकाओं में क्या करता है, प्रवेश करता है। और बेटा ये एंडोडर्मिस के अंदर की ओर जो ऊतक होता है वो क्या होता है, पेरिसाइकल होता है, परिरंभ होता है। 11वीं में आपने पढ़ा होगा जड़ की अनुप्रस्थ काट। ठीक बेटा, मार्ग कोशिकाओं से, वल्कुट से जो जल है मार्ग कोशिकाओं के माध्यम से कहां पहुंचता है, परिरंभ में, है ना। और परिरंभ के बाद बेटा क्या, अंदर क्या होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं, और संवहन ऊतकों में आपको पता है जो जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, जैलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, दारु ऊतक के द्वारा। जल विलयन का, किसका बेटा, जो जल विलयन का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। अगर इस जाइलम के द्वारा वाटर सॉल्यूशन का स्थानांतरण होता है तो यही जो वाटर सॉल्यूशन है वो जाइलम रस कहलाता है। क्या कहलाता है, जाइलम रस, जाइलम सैप कहलाता है। ठीक है, जाइलम रस का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है बेटा। और नीचे से कहां होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, स्थानांतरण होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया, चलो मिटा रहा हूं मैं इसमें। अब बात करते हैं पादपों में जल के मार्ग के बारे में।
पादपों में जल का मार्ग। ठीक है बेटा, देखो जो पादपों में जो जल का प्रवेश होता है, इस जो जल का प्रवेश है, जल का जो प्रवेश होता है वो बेटा किसके द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रूट हेयर के द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा जल का क्या होता है? प्रवेश होता है। ठीक है ना। अब सुनो, जब मूल रोम के द्वारा अंत में जो जल होता है वो कहाँ पहुंचता है? जाइलम में पहुंचता है। पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको। ठीक है बेटा, जाइलम में जो ये जल है, जाइलम में जल का जो परिवहन है वो तीन पथों के द्वारा होता है, तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल से वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, सुनो बेटा, तो इसका जो पहला प्रकार है वो है अपलवक, है ना, एपोप्लास्ट पथवे। एपोप्लास्ट पथवे अपलवक। दूसरा होता है वो होता है संलवक, जिसे सिम्प्लास्ट पथवे। और बेटा जो तीसरा होता है वो होता है वैक्यूलर पथवे, रसधानीय पथ। वैक्यूलर पथवे रसधानीय पथ होता है। तीन प्रकार से जो जल होता है मूल रोम के माध्यम से कहां पहुंचता है? जाइलम में पहुंचता है। अर्थात मूल रोम से जाइलम तक का जो प्रवाह होता है, ये जो प्रवाह होता है वो बेटा पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्वीय प्रवाह कहलाता है, लेटरल फ्लो कहलाता है। लेटरल फ्लो, मूल रोम से जाइलम तक का जो प्रवाह है वो बेटा क्या कहलाता है? लेटरल फ्लो कहलाता है। पार्श्वीय क्या कहलाता है? प्रवाह कहलाता है। अब अपन इनके बारे में, तीनों के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। देखो जो एपोप्लास्ट पथ है, चलो इसके बारे में बताता हूं मैं पहले आपको। बेटा एपोप्लास्ट पथ में क्या होता है? जो जल का जो प्रवाह होता है, क्या होता है? जल का जो प्रवाह होता है कोशिका भित्ति, क्या, एक तो क्या बेटा कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों के द्वारा होता है। एक तो कोशिका भित्ति और बेटा किसके द्वारा? अंतर कोशिकीय अवकाशों द्वारा होता है। यदि मूल रोम से जाइलम तक जल का प्रवाह कोशिका भित्ति एवं कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाशों द्वारा होता है, तो इस पथ को एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एपोप्लास्ट पथ कहते हैं। और ये जो पथ होता है अनियंत्रित होता है। और कैसा होता है बेटा? ये जो पथ होता है अनियंत्रित होता है, और इसमें जो जल का प्रवाह होता है वो विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इसमें जो जल का प्रवाह है वो बेटा किसके द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक, अब सुनो, बात करते हैं अपन किसकी? सिम्प्लास्ट पथ की। ठीक है बेटा, देखो जो सिम्प्लास्ट पथ है इसमें जो जल का प्रवाह मूल रोम से जाइलम तक, किससे? मूल रोम से जाइलम तक
एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतुओं जिन्हें अपन क्या कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतुओं द्वारा जीव द्रव्य से होता है। ठीक बेटा सुनो परिभाषा, जब जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतुओं द्वारा जीव द्रव्य से होता है, जब जल का प्रवाह मूल रोम से जाइलम तक एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा जीव द्रव्य से होता है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट पथ कहते हैं। और इस ये जो सिम्प्लास्ट पथ है, इसमें जो जल का स्थानांतरण होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? परासरण क्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? और इसके लिए बेटा परासरण की क्रिया के द्वारा होता है, और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और जिस पथ के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बेटा अपन सजीव पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव पथ कहते हैं। इसमें सक्रिय परिवहन होता है। क्या होता है? सक्रिय परिवहन होता है। सक्रिय परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और ये जो सिम्प्लास्ट है सर्वाधिक प्रतिरोध वाला होता है। क्या होता है? सर्वाधिक क्या होता है बेटा? प्रतिरोध वाला क्या होता है? पथ होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन तीसरे पथ के बारे में, रसधानीय पथ। कौन सा पथ बेटा? रसधानीय पथ। देखो बेटा इसमें जो जल का प्रवाह है, किसका प्रवाह? इसमें जो जल का प्रवाह है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, जो जल का प्रवाह है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीव द्रव्य झिल्ली के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य कला के द्वारा होता है। जीव द्रव्य झिल्ली के द्वारा होता है। रसधानीय पथ किसे कहते हैं? जब जल का प्रवाह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में मूल रोम से जाइलम तक किसके द्वारा होता है बेटा? जीव द्रव्य कला के द्वारा होता है, तो उस पथ को अपन क्या कहते हैं? रसधानीय पथ कहते हैं। है ना। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा की कोई भूमिका नहीं होती। जो प्लाज्मोडेस्माटा है उनकी क्या नहीं होती बेटा? कोई भी भूमिका नहीं होती है। ठीक है ना। भूमिका किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। अर्थात इसमें जो जल है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वायु टोनोप्लास्ट से होकर, किससे बेटा? टोनोप्लास्ट व रसधानी से, टोनोप्लास्ट और रसधानी से होकर क्या गुजरता है? जल गुजरता है। और इसके लिए भी, इस पथ के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है। मैंने आपको तीन बताए, एपोप्लास्ट ना कोशिका वृत्ति एवं अंतर कोशिका के अवकाशों द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह होता है, तो उसे अब लगा ना इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती।
इसके लिए बेटा किसकी आवश्यकता नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, विसरण विधि के द्वारा होता है। दूसरा होता है संलग्नक सिंप्लास्ट, जीव द्रव्य तंतुओं के द्वारा क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का प्रवाह होता है, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सर्वाधिक प्रतिरोध वाला होता है और परासरण विधि के द्वारा होता है, इसे सजीव पथ भी कहते हैं। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, रसधानी पथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, जीव द्रव्य कला के द्वारा क्या होता है, जल का प्रभाव होता है, जीव तंतुओं की कोई भूमिका नहीं होती, ठीक है बेटा, इसके लिए ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।